नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कई दिनों के बाद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से अतिथि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों, हजारों कैंडिडेट्स का लंबा इंतजार आखिरकार आज समाप्त हो गया। बिल्कुल विस्तार से आज जारी नोटिस आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिए और DSSSB के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अतिथि शिक्षकों से जुड़े नए नोटिस जारी किए गए हैं। अभी तक जो नोटिस जारी होते थे उनमें जिनके पास एक्सपीरियंस था सिर्फ उन्हीं को स्कूल अलोकेट किए जा रहे थे, पर अभी जो आज नोटिस जारी किए गए हैं इनमें देखिए एक्सपीरियंस जीरो डेज, मतलब जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें भी स्कूल अलोकेट किए गए हैं आज, और काफी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में। ये देखिए बिल्कुल विस्तार से सभी नोटिस आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और TGT के लगभग सभी सब्जेक्ट्स की अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और ये नोटिस पे नोटिस लगातार जारी हो रहे हैं, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं तब तक हो सकता है और भी नोटिस आ जाए, उनकी अपडेट कल सुबह आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सबसे पहले आप ये नोटिस देखिए, बिल्कुल अभी अभी जारी किया गया है रीएलोकेशन ऑफ गेस्ट टीचर। सबसे पहले लिस्ट जारी की गई है TGT सोशल साइंस की, सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन ID है, नेम है, पोस्ट है, वर्किंग डेज एक्सपीरियंस है, स्कूल ID है और अलोकेटेड स्कूल का नाम है। तो यहां आप देख सकते हैं आपका इसमें नाम रोल नंबर है या नहीं। TGT सोशल साइंस फीमेल की जो लिस्ट है इसमें टोटल मैं अभी आपको बता देता हूं कितने कैंडिडेट्स हैं। ये देखिए दोस्तों, जिनको जीरो डेज का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल जो फ्रेशर हैं, उन्हें भी स्कूल अलोकेट किए गए हैं TGT सोशल साइंस में। ये देखिए काफी, ये यहां आप देख सकते हैं टोटल 50 कैंडिडेट को स्कूल अलोकेट किए गए हैं TGT सोशल साइंस में। उसके बाद TGT पंजाबी में 4 कैंडिडेट को स्कूल अलोकेट किए गए हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ी लिस्ट है वो है TGT मैथ की, एप्लीकेशन ID, नेम, पोस्ट और ये वर्किंग डेज में एक्सपीरियंस है, 1241 ये घटते क्रम में एक्सपीरियंस है, स्कूल ID है और ये अलोकेटेड स्कूल का नाम है। ये देखिए दोस्तों काफी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की गई है TGT मैथ्स की। ये देखिए वर्किंग डेज एक्सपीरियंस, जीरो एक्सपीरियंस वाले, जिन्होंने अभी स्कूल ज्वाइन नहीं किया था उनका भी यहाँ रोल नंबर है। दोस्तों, अगर आपने आवेदन किया था, आपका सिलेक्शन हो गया था, तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपका नाम इसमें हो, आपको स्कूल अलोकेट कर दिया हो। पूरी लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, ये TGT मैथ की लिस्ट आपके आगे ये चल रही है, मैं पूरी लिस्ट स्क्रॉल करूंगा। आप वीडियो की स्पीड कम करके या वीडियो को रोक रोक के ये लिस्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको ये लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करा दी जाएगी, बाकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो अवेलेबल है ही, वहां से तो आप इसे डाउनलोड कर ही सकते हैं। काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है TGT मैथ्स की, अभी यही चल रही है। इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स की देखेंगे, काफी सारे सब्जेक्ट्स के जुड़ी हुई नई अपडेट आज की डेट में आई है निकल के। ये देखिए दोस्तों, मतलब इतनी वैकेंसियां हैं, आप ये मान के चले अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट आती है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, अभी जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है मुझे नहीं लगता उसमें ये सारी वैकेंसियां भर जाएंगी, उसके बाद भी काफी सारी पोस्ट खाली रहेंगी। तो नई रिक्रूटमेंट भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल तो नई रिक्रूटमेंट में भी पदों की संख्या हमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है DSSSB की तरफ से, जो अभी 2022 में आनी है। आएगी कब कुछ नहीं कहा जा सकता, एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो आ नहीं रही है, जो एग्जाम कैलेंडर दिसंबर 2021 में DSSSB की तरफ से जारी किया गया था। बाकी आप ये लिस्ट देख लीजिए, TGT मैथ्स की ही चल रही है अभी, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, काफी सारे कैंडिडेट्स को स्कूल अलोकेट किए गए हैं यहाँ पे इस लिस्ट के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, 882 कैंडिडेट को स्कूल अलोकेट किए गए हैं TGT मैथ्स में। इसके बाद म्यूजिक टीचर की लिस्ट आ गई है, म्यूजिक टीचर में 4 कैंडिडेट्स को स्कूल अलोकेट किए गए हैं। लाइब्रेरियन की जहां तक बात है, लाइब्रेरियन में स्कूल अलोकेट किए गए हैं 13 कैंडिडेट्स को।
ड्राइंग टीचर में स्कूल अलोकेट किए गए हैं 10 कैंडिडेट्स को, टीसीटी उर्दू में स्कूल अलोकेट किए गए हैं 6 गेस्ट टीचर्स को, डोमेस्टिक साइंस में 4 को स्कूल अलोकेट किए गए हैं। और अगर आपका इसमें नाम रोल नंबर है तो जो स्कूल आपको अलोकेट किया गया है वहाँ 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको हर हाल में रिपोर्ट करना होगा। तो ध्यान रखिए 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना है जो आपका अलोकेटेड स्कूल है वहां पे। इसके बाद एक लिस्ट और जारी की गई है, ये भी आप देख सकते हैं, रीअलोकेशन ऑफ रिलीव्ड गेस्ट टीचर ऑफ टीजीटी पोस्ट। रिलीव्ड के अलावा यहाँ वो गेस्ट टीचर भी हैं जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, 0 वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ भी शामिल है इस लिस्ट में भी। सबसे पहले टीजीटी संस्कृत की आप ये लिस्ट देखिए अलोकेटेड, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ टोटल कितने कैंडिडेट्स की लिस्ट है। टीजीटी संस्कृत में टोटल 42 गेस्ट टीचर को स्कूल अलोकेट किए गए हैं। टीजीटी हिंदी की लिस्ट देख लेते हैं अब, टीजीटी हिंदी में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को या गेस्ट टीचर्स को स्कूल अलोकेट किए गए हैं, टोटल 54 हैं। टीजीटी इंग्लिश की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, स्कूल अलोकेट कर दिए गए हैं काफ़ी सारे गेस्ट टीचर्स को। ये देखिए दोस्तों टीजीटी इंग्लिश की ही चल रही है, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ, ये आप यहाँ देखिए 19 दिन का जिनके पास एक्सपीरियंस था उन्हें भी अलोकेट कर दिया गया है, और जिन्हें 0 डेज का एक्सपीरियंस था उन्हें भी स्कूल अलोकेट अब किए गए हैं टीजीटी इंग्लिश में। तो ये लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, ये देखिए काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है टीजीटी इंग्लिश की भी, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिक सर्कुलर के सेक्शन पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो को आप धीरे धीरे देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, यहाँ पर से भी आप चेक कर सकते हैं, मैं पूरी लिस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके लिए ही। TGT इंग्लिश में 379 कैंडिडेट को स्कूल अलोकेट किए गए हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसी तरह से TGT नेचुरल साइंस की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो रिलीव्ड गेस्ट टीचर हैं और जो नए गेस्ट टीचर हैं उन्हें स्कूल अलोकेट किए गए हैं। नए गेस्ट टीचर कौन से हैं ये देखें, जिन्हें 0 वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मतलब कार्य किया ही नहीं है एज ए गेस्ट टीचर, उन्हें भी स्कूल अलोकेट कर दिए गए हैं। तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है TGT नेचुरल साइंस की भी। ये देखिए दोस्तों TGT नेचुरल साइंस में 695 कैंडिडेट को स्कूल अलोकेट किए गए हैं, इन्हें भी 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट करना होगा जो भी इनका अलोकेटेड स्कूल है। दोस्तों अभी तक इन्हीं सब्जेक्ट की अपडेट आई है, बाकी और भी नोटिस अपलोड हो रहे हैं और सब्जेक्ट की भी अपडेट हमें देखने को मिल जाएंगी, आज रात तक नोटिस आ जाएंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, कल अर्ली मॉर्निंग वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी आप भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर से जरूर विजिट कर लें, अगर आपने एज ए गेस्ट टीचर कार्य कर रखा है या जो रिक्रूटमेंट पहले आए थे अतिथि शिक्षकों के उनके लिए आवेदन किया था या जो लिस्ट जारी की गई थी रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में आपका सिलेक्शन हो गया था, तो मतलब आप चेक कर लीजिएगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट। बाकी जो नए नोटिस हैं वो कल सुबह आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।